आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर जितेंद्र सिंह शंकी जी और नसीब भाई विक्की जी स्टेज पे, सभी गणमान्य अतिथि यहाँ पे आए हुए, सभी अवार्डीज एंड अतिथि, आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार एंड नमस्कार। आज का जो विषय है कॉन्स्टिट्यूशन एंड टुडेज इरा, मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमेशा कोई भी इरा क्यों ना हो उसकी आत्मा होती है और हमेशा रहेगी। जैसा कि हमें एक किसी ने कहा है, खूब कहा है कि अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। अम्बेडकर जी ने शायद हमें यही सिखाने का प्रयास किया अपने हृदय के मसाल से, जो उन्होंने भारत का संविधान लिखा उसी से हम सब आज जिंदा है। और जैसा कि कहा गया है कि जब उनसे पूछा गया कि इतने सारे आर्टिकल में से कौन सा आर्टिकल आपको सबसे ज्यादा प्रिय है, तो उन्होंने आर्टिकल नंबर 32 का बहुत जिक्र किया था, जिसमें हर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के और उनको इज्जत से जीने का हक है। और अगर किसी भी कारण से अगर आपको अपने मौलिक अधिकारों का हनन होने का ऐसा लगता है तो आप सर्वोच्च न्यायालय के शरण में जा सकते हैं। तो शायद यही सब सिखाते हुए कि रिलीजन क्या है, तो कहते थे कि लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। मैं एक बात बोलना चाहूंगी आज हमारे बीच में, शायद लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी के लाइव एग्जांपल डॉक्टर जितेंद्र सिंह शंकी जी बैठे हुए हैं। मैं कोरोना के टाइम में स्पेन में थी और मैंने अपना ज्यादा समय वहीं पे बिताया था, लेकिन वहां से भी मैं शंकी जी के प्रोग्राम्स देखती थी टीवी पे, न्यूज पे, कि किस तरीके से वो, जब हम लोग किसी से शायद बात करने से डरते थे, लेकिन उस समय वो अपना पूरा जैसे कि हृदय को मशाल बना करके बाहर निकल के हम सबका बेड़ा एक देवता की तरह उन्होंने उठाया था। मैं इस मंच से उनको सैल्यूट करती हूँ और अंसारी भाई को, नेहा जी को, बहुत ही पुराने से मैं जानती हूँ नेहा जी को, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन देती हूँ। आप ये कार्यक्रम करते हैं इससे सभी का हौसला बुलंद होता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ बुलाया उसके लिए थैंक यू, नमस्कार।